हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इस ब्लॉग में नेनुआ की सब्जी। तो ये देखिए, मैं नेनुआ छील रही हूँ, आलू छीलूँगी, फिर मैं इसको धो के अब काट रही हूँ। इसके बाद हम इसको आज चूल्हे पे बनाएंगे फ्रेंड्स। तली तक मसाला पीसने जा रहे हैं। चलिए, मसाला में हमने हल्दी लिया है, धनिया, साबुत लाल मिर्च, जीरा और काली मिर्च। इसको मैं पीस के फिर मिलते हैं चूल्हा पे। हम लोग फ्रेंड्स आज खाना बनाएंगे, केवल सब्जी बनाएंगे, उसमें रोटी बनाने का मेरा चूल्हे पे मन नहीं होता है, इसलिए मसाला मेरा पीस गया है, मतलब पीसने में पीस जाएगा, अभी पीसा नहीं है। तो पीस के मैं मसाला पीस के आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, मसाला पीसने में टाइम तो लगता है फ्रेंड्स, मिक्सी में तो जल्दी हो जाता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो सिलबट्टे पे पीसा जाता है। तो ये देखिए, मेहनत लगता है, रगड़ रगड़ के पीसना पड़ता है। तो ये देखिए, अब इस हमने आँच जला लिया है, इसमें कढ़ाई में तेल डाली हूँ मैं सरसों का। और ये मेरे ससुर जी लकड़ी काट रहे हैं, बहुत ढेर सारा मेरा यहाँ बांस का ना जो पौधा होता है बहुत ढेर सारा है, बहुत बड़ा पेड़ है बांस का, तो उसकी सूखी लकड़ियाँ हैं। ये देखिए, अब मैं आलू डाल रही हूँ और इसको भूजूँगी, जल्दी जल्दी खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझसे चूल्हे पे नहीं बनता है, लेकिन इतना लकड़ियाँ ज़्यादा हो गई थी कि मुझे बनाना पड़ा है। मेरे ससुर जी प्रेशर दे रहे थे कि लकड़ी पर बनाओ, लकड़ी पर बनाओ, वेस्ट हो रहा है लकड़ी, तो इसलिए मुझे बनाना पड़ा है। लेकिन केवल इसमें मैं सब्ज़ी भी बनाऊँगी, रोटी मैं गैस पर ही बनाऊँगी। तो ये देखिए, वो लकड़ियाँ काटने में मस्त है, वो लकड़ियाँ काट काट के इकट्ठा कर देते हैं बांस का, मुझे बनाना पड़ता है। उसमें मुझे बनाने में बिल्कुल भी मन नहीं करता है मुझे लकड़ी पे खाने बनाना या चूल्हे पे बनाना। जा रही हूँ मैं, मुझे भी कम पड़ा है लकड़ी, एक दो लकड़ी और ले आती हूँ मैं। डाल दे रही हूँ एक ही बार में, कि बार बार मुझे ना लगाना पड़े, ऐसे जला रहेगा तो ठीक ही रहेगा। अब मैं इसमें पिसा हुआ मसाला डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से इस कटोरी को साफ कर ले रही हूँ। मुझे बनाने में कितना उलझन हो रहा है, खांसी आ जा रहा है धुएं की वजह से। अब इसमें मैं जा रही हूँ नमक डालने, नमक लाने, हवा भी बहुत तेज चल रही है फ्रेंड, देख रहे हैं कि आज किस तरह से इधर उधर भाग रही है। रोटी तो नहीं बन पाएगा लगता है आज इस पर, क्योंकि हवा है, लेकिन मेरे मसाले भूज रहे हैं। मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ, रोटी के साथ बनाऊंगी फ्रेंड्स, तो मैं ग्रेवी वाली ही बनाऊंगी। देख रहे हैं कि धूप भी हल्की हल्की आ ही गई है वहां तक। अब मैं नेनुआ डाल दे रही हूँ, नेनुआ डाल के चला रही हूँ उसमें, फिर पानी डाल के इसको ढक दूंगी। अब इसको पानी डाल के ढक देती हूँ कि अपना होता रहेगा। अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, इसको अब जा रही हूँ ढक्कन लगा के इसको ढक देने।
अब इसको ढक दूँगी। कितना बोरिंग लग रहा है मुझे, लेकिन अपने ससुर जी की वजह से मुझे बनाना पड़ा है। वो देखिए मेरी लड़की खड़ी है आनंदी, और मैं इसको ढक दे रही हूँ। चलिए मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। ये अपना आँच लगा दी हूँ, अपना इतने में हो जाएगा। एक दो लकड़ी लगा के छोड़ दूँगी। अब देखिए मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ अपने गैस पर। मेरा किचन नीचे बैठ के नहीं बनाती हूँ, चौकी पे ही बनाती हूँ रोटी। ये देखिए रोटी हम लोग का बनना है। अब हम लोग खाना बना लिए हैं, बर्तन धो रहे हैं। ये देखिए पुराने ज़माने का हैंडपम्प है, जो गांव में हमेशा सबके घर मिल जाएगा। और ये मेरी लड़की पानी चला रही है, हम बर्तन धो रहे हैं। इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। बस और सब लोग खाना खा लिए, केवल हम और मेरी लड़की बाकी है। ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, हम खाना खा रहे हैं, आनंदी भी साथ में खा रही है नीचे बैठ के। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे। ये देखिए